शंखं चक्रं जलौकां दददमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छान्तिरुद्यां शुकपरविलसन मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। पिछली बार हमने समान वायु लिया था और आज है उदान वायु। विश्लेषण है अप्लाइड व्यू। समान वायु के बारे में हमने देखा था समम अनयति इति समानः, मतलब जो समस्थिति में लाता है वो उदान वायु। अग्नि को, शरीर को वचन होने के बाद, शरीर को जो पोषण होने के बाद जो समस्थिति लाते वो समान वायु है। आज हम ले रहे उदान वायु। उदान वायु इसके लिए ग्रंथ में जो पहला बताया है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पूरे वायु की क्रिया के हिसाब से उदान वायु कितना सर्वोत्तम है, उत्तम है, हमें पता चलता है। उदानो नाम यस्तु ऊर्ध्वम् उपैति पौनोत्तमम्, मतलब ये पौनोत्तम है, मतलब वायु में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये जो पांच वायु है, इस पांच वायु के हिसाब से अलग एक क्रिया बताइए, उस पांच वायु में ये उदान वायु सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है? देखिए, अभी तो हमें पता है कि प्राण की गति कैसी है। प्राण की गति जो होती है सृष्टि से लेकर शरीर तक, ये प्राण की गति है। उदान की गति कैसी है? उदान की गति शरीर से लेकर प्राण की सृष्टि तक है, मतलब शरीर सृष्टि ले जाकर शरीर तक। ये कौन सी गति है? ये अनुलोम गति है, मतलब प्राण की गति कैसी है? अनुलोम गति। अब उदान की गति कैसी है? शरीर से लेकर सृष्टि तक, मतलब प्रतिलोम गति, मतलब ये शरीर अगर उस अवस्था में पहुंचाना है, उस वृद्धावस्था में, वृद्ध अवस्था में लेके जाना है, उसमें समर्पित करना है, तो उसके लिए मोक्ष की अवस्था तक लेके जाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो वायु है वो पौनोत्तम सर्वश्रेष्ठ जो वायु है वो उदान वायु है। और उदान वायु के हिसाब से आज हम ये विश्लेषण करेंगे और उसके सूक्ष्माति सूक्ष्म अंग को हम लेते जाएंगे। अभी कहा है कि ये जो उदान वायु है, उदान वायु की क्रिया जहाँ कुछ ऐसे बताया कि शरीर का जो मलिन अंश है वो मलिन अंश वायु का वो बाहर लेके निकालता है, उसके वजह से शरीर में श्रेष्ठतमता है, ये तो है। लेकिन उसके अलावा शरीर में बहुत कार्य के हिसाब से सर्वश्रेष्ठता कैसी है, एक एक पॉइंट से हम देते हैं। पहला उसका स्थान बता है। स्थान क्या है? उरस्थानम उदानस्य, ये वाग्भट आचार्य जी बताए, उरस्थानम उदानस्य। अब उरस्थान इसका अगर उसका स्थान बताया है तो एक समझ लीजिए उरस्थान में, उर में क्या क्या आता है? उर में फुफ्फुस है, हृदय है, अन्न नलिका भी है, श्वास नलिका भी है, कंठ नलिका भी है, और उसके साथ उस उर में आने वाले स्नायु, मांस, सिरा, कंडरा, रक्तवाहिनी जो है, बोन जो है, मसल जो है, ये सब में उदान वायु का कार्य है, उसमें उदान वायु रहता है। उसका स्थान बताया है, जैसे पिछली बार हमने बताया कि स्थान और संचार स्थान, वैसे इसका स्थान मतलब ये सूक्ष्म पूरे मसल स्नायु तक, वहां के हड्डी तक भी रहने वाला ये उदान वायु है, उरस्थानम उदानस्य। इसलिए ये इसका स्थान हो गया। अब इसके कार्य के हिसाब से हम जाएंगे और कार्य के हिसाब से हम देखेंगे इसका कार्य क्या, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया। अब एक एक करके हम इसका विश्लेषण करते जाएंगे। अब अगर आपने देखा कि उदान का कार्य क्या है, उदान ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व गति है उसकी, उसके लिए ऊर्ध्वम उपैति पौनोत्तम कहा है। अगर ऊर्ध्व गति मतलब ये व्यक्त करना है। अभी इसमें अगर इस कार्यों को आप देखेंगे, इसमें क्या है, वाक प्रवृत्ति, ये क्या कर रहा है, ये भी ऊर्ध्व गति है, व्यक्त कर रहा है। प्रयत्न, अगर कोई भी कार्य है उसका आरंभ भी करना है, उसको भी व्यक्त करना है, प्रयत्न। ऊर्जा भी उस हिसाब से कार्य कर रही है, प्रयत्न, ऊर्जा, बल। अब बल भी देखिए कैसा है, वर्ण भी देखिए, वर्ण भी क्या कहता है, शरीर से लेकर स्किन की तरफ ऊर्ध्व गति के हिसाब से है। और ये कार्य अगर आप देखेंगे को इसमें ऐसा होता है, कोई भी अगर श्लोक इस ग्रंथ में दिया हुआ, अगर वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, अगर इसमें से एक भी कार्य हैम्पर हो जाता है, इसमें एक भी कार्य में बिगाड़ हो जाता है, तो बाकी के कार्य में भी तकलीफ, बिगाड़ या उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। देखिए वाक प्रवृत्ति में आ गया प्रॉब्लम, तो किसी में जैसे बल हो, मतलब क्या होता है, बल के वजह से वाक प्रवृत्ति नहीं है, या स्मृति की वजह से वाक प्रवृत्ति प्रॉपर नहीं, क्योंकि हमें याद ही नहीं आ रहा तो वाक प्रवृत्ति कैसे करेंगे, या बल नहीं तो उसके वजह से स्मृति नहीं, बल नहीं उसके वजह से वाक प्रवृत्ति, मतलब एक के ऊपर एक एक कार्य इसका अवलंब है। तो अगर एक में भी प्रॉब्लम आए तो बाकी कार्य में भी उसका प्रॉब्लम आता है। तो ये समवाय कारण उदान वायु के हिसाब से, तो हम इसमें से एक एक कार्य ले लेते हैं। इतना सर्वश्रेष्ठ उदान वायु क्यों है समझ में आएगा। अब जाते हैं हम कार्य के हिसाब से उदान वायु, वाक प्रवृत्ति। अभी वाक प्रवृत्ति के हिसाब से हम जाते हैं, तो वाक प्रवृत्ति के हिसाब से क्या है, हमें वाक प्रवृत्ति कैसी होती है, एक तो वागेंद्रिय है, और ये वागेंद्रिय काम क्या करता है, वागेंद्रिय मुख है, कंठ है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनुनासिक उच्चार करते हैं, जब कोई अनुनासिक उच्चार हम करते हो उसमें नासिका भी आती है, इसलिए वागेंद्रिय क्या होता है, मुख, कंठ नाड़ी और नासिका, और जिह्वा उसका कार्य करती है, उसके वजह से वाकेंद्रिय भी उसको कहा है। इसलिए ये उच्चार करने के लिए, वाक प्रवृत्ति करने के लिए ये वाकेंद्रिय इंपॉर्टेंट है। इसके साथ स्वरव स्त्रोतस। अब ये स्वरव स्त्रोतस क्या है, ये जो स्वरव स्त्रोतस में ही ये मुख, कंठ नाड़ी और नासिका आती है, और ये चार स्वरव स्त्रोतस है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है ये स्वर वहषु स्त्रोतासु शब्द वाहिनीषु धमनीषु, मतलब क्या है, ये स्वर व स्त्रोत जो है सब शब्द व धमनी का उन्होंने उल्लेख किया है, और ये वायु शब्द व धमनी के द्वारा स्वर व स्त्रोत से ये जिह्वा से इसका कार्य करवा लेता है। मतलब ये जो शब्द व धमनी है, ये शब्द स्वर व स्त्रोत से ये शब्द व धमनी से इसका कार्य करते हैं। अब ये कैसा होता है कार्य आप देखिए हमें पता है वायु प्रवर्तको वाचा, अगर ये वायु क्या करता है, वायु ही वाचा का मतलब बात करने के लिए प्रवृत्त करता है, और ये उदान वायु है, लेकिन ये कैसे कार्य करता है और किस हिसाब से इसका कार्य होता है ये हम थोड़ा देखते हैं। क्योंकि अगर ये हमें समझ में आ रहा है तो उदान किस अंश तक, किस अणुरेणु तक, किस सूक्ष्म अवस्था तक कार्य करता है, ये वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, इस हिसाब से एक एक करके उसके कार्य क्षेत्र, उसके कार्य के हिसाब से उसका सूक्ष्म अंश कैसे कार्य प्रयोग कर रहा है ये हमें समझ में आएगा। अब देखिए ये जो है, अब स्वर कैसे निकलता है और कैसे उसका शब्द उत्पत्ति होती है, लेकिन शब्द उत्पत्ति होने के लिए आचार्य ने एक कहा है कि अगर कोई भी शब्द हो तो उन्होंने कहा है श्रोत्र ग्राह्यो गुणाहा शब्द, मतलब जो श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण किया हुआ हो वही जो गुण है वो शब्द है। मतलब कोई भी शब्द हमें, हम जब उच्चारते हैं, हम बात करते हैं, तो वो पहले हमने सुनना चाहिए, वो शब्द ग्रहण करना चाहिए, तभी हम वो बात कर सकते हैं, तभी हम वो कार्य कर सकते हैं। मतलब ग्रहण करने का काम अब जब प्राणवायु ने किया तभी वो उदान वायु कार्य कर रहा है, अगर ग्रहण नहीं किया तो व्यक्त नहीं होगा, समझ रहे। क्योंकि अब देखिए सब, जैसे केरल में है, केरल में तमिल भाषा है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में कौन सी मराठी भाषा है, पंजाब में पंजाबी है। अब यहाँ के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब वही भाषा हम बार बार बताते तो वही भाषा ग्रहण करते हैं और वही भाषा हम बात कर सकते हैं। महाराष्ट्र में तमिल भाषा वो बच्चा नहीं बात कर सकता, तमिल में वहाँ महाराष्ट्र भाषा बात नहीं कर, क्योंकि वो बार बार जब जो शब्द ग्रहण करता है वही शब्द वो बात कर सकता है, वही शब्द तो उच्चार कर सकता है। इसलिए शब्द ग्रहण करना, शब्द इम्पोर्टेंट है, तभी वो उच्चार कर सकता है। इसलिए इसको कहा सर्व शब्द नभवृत्ति श्रोत्रोत्पन्नस्य गृह्यते। ये दृष्टार्थ मुक्तावली में बताया है कि श्रोत्र उत्पन्न शब्दाचे उच्चारने के लिए जो शब्द है वो जब सुनता है वही वो व्यक्त कर सकता है, उस हिसाब से उसका कार्य है। हम अभी जाते हैं उत्पत्ति कैसी होती है, शब्द की उत्पत्ति या वाक् प्रवृत्ति कैसी होती है। अभी पहले हम लेते हैं शब्द की उत्पत्ति, शब्द के बारे में सोच रहे हैं तो शब्द की उत्पत्ति लेते हैं, वो कैसे होता है। और वो जो श्लोक बताया है तर्क संग्रह में, आत्मा मनसा संयुज्यते, क्या कहा है, आत्मा मनसा संयुज्यते मन इंद्रियान इंद्रिया अर्थेन तथा ज्ञानम। मतलब आत्मा क्या करता है, बुद्धि के हिसाब से क्या बात करनी क्या नहीं, मन को प्रेरणा देता है, मन वो इंद्रिय से विषय ग्रहण करता है और इंद्रिय से अर्थ लेने के बाद वही मन फिर जो कायाग्नि को प्रेरणा देता है और कायाग्नि के हिसाब से फिर मारुत को प्रेरणा देता है, मारुत के हिसाब से शब्द की उत्पत्ति होती है। अभी ये ऐसा कहा बताया है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि इसमें कायाग्नि भी आया है, कायाग्नि के सिवा उत्पत्ति नहीं हो पाती। तो ये पाणिनि जो है, पाणिनीय शिक्षा में बताया है 6 में, पाणिनीय शास्त्रानुसार में शब्द उत्पत्ति का उन्होंने श्लोक बताया है। उस श्लोक देखिए, आत्मा बुद्ध्यः सम्यक् अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि माहंती स प्रेरयति मारुतम मारुत तु उरसी ही चरणम मंदम जनयति। देखिए अभी क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कैसी उत्पत्ति है, आत्मा क्या करता है, बुद्धि के सहाय से हमें क्या बात करनी है, हमें क्या बात करनी नहीं है, ये पहले तय कर लेता है। उसके बाद ये जो निर्णय है, ये निर्णय भाषा रूप में व्यक्त करने के लिए ये मन को प्रेरणा दे देता है। और मन को प्रेरणा देने के बाद ये मन क्या करता है, उन्होंने क्या कहा है, मनः कायाग्नि माहंती, मतलब ये मन फिर कायाग्नि को प्रेरणा देता है और कायाग्नि क्या करता है, फिर कायाग्नि स प्रेरयति मारुतम, मब वो कायाग्नि मारुत को प्रेरणा देता है, मतलब उदान वायु को प्रेरणा देता है और उसके बाद ये शब्द की उत्पत्ति होती है। देखिए क्या हुआ, आत्मा बुद्धि को, बुद्धि मन को और मन कायाग्नि को, मतलब जब तक कायाग्नि अच्छा नहीं तब तक शब्द उत्पत्ति नहीं। अब कायाग्नि से शब्द कैसे उत्पत्ति होगी, तो आचार्य सुश्रुत ने ये बताया है, उन्होंने कहा है कि क्या बताया, वाचो अग्नि क्या है, इस वाणी का, ये कर्मेंद्रिय का अधिदेवत कौन है, इस कर्मेंद्रिय का अधिदेवत है अग्नि, वाणी की अधिदेवता अग्नि है, इस कर्मेंद्रिय की अधिदेवता अग्नि है, इसलिए वाचो अग्नि। इसके वजह से अग्नि अच्छा है तो वाणी की उत्पत्ति प्रॉपर होती है। अगर आप देखिए किसी का जठराग्नि दुर्बल हो, धात्वाग्नि दुर्बल हो, तो उसमें वाणी होती है क्या, शब्द प्रॉपर उस ताकत से बाहर आते है क्या, बल अच्छा है क्या, इसलिए धातु के बल क्षीण हो गए या धातु का अग्नि क्षीण हो गया तो वाचा या वाणी उत्पत्ति या वाणी में क्षीणता आती है। जो ताकत से हम वाणी उच्चार कर सकते हैं, ताकत से हम कोई शब्द उच्चार कर सकते हैं, वो शब्द ताकत से उत्पन्न नहीं होते। इसलिए वाणी के उत्पत्ति लिए, वाक प्रवृत्ति के लिए नाभि में स्थित जो कायाग्नि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कायाग्नि अच्छा है तो वाक प्रवृत्ति प्रॉपर होती है, फिर वो कायाग्नि क्या करता है, श्लोक के हिसाब से इस मारुत को, मतलब इस उदान को प्रेरणा देता है, फिर उदान नाभि से लेकर उरस स्थान में फिर ये शब्द व्यक्त होने लगता है, ऐसी शब्द की वाक् फिर उसके बाद वैखरी की अवस्था में ये वाक् प्रवृत्ति बाहर निकलती, ऐसे स्वर या ऐसे वाक् प्रवृत्ति की उत्पत्ति बताइए। अगर ये सूक्ष्म वाक् प्रवृत्ति हमें समझ में देख, राजयक्ष्मा व्याधि है, राजयक्ष्मा में बताया कि इसका स्वरक्षीण होता है, का इसमें काश श्वास में भी स्वर, ये किस वजह से होता है? एक तो वायु उसमें दुष्टि भी है, उसके साथ कायाग्नि दुष्टि भी है, इसलिए इसको प्रेरणा देना, उसको अच्छा रखना, अगर वाक् प्रवृत्ति अच्छी है तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी यही जो वाक् प्रवृत्ति है वो वाक् प्रवृत्ति कैसी होती है, किस हिसाब से इसका कार्य होता है, ये कार्य बताया है वाक् प्रवृत्ति के हिसाब से। उन्होंने इसके उपप्रकार बताए, मनुष्य में के कंठ में से जो निकलता है वो शब्द दो प्रकार के बताए हैं, और ये दो प्रकार के शब्द कौन से हैं ये बताया है, भाषा रूप और घोष रूप। भाषा रूप और घोष रूप मतलब क्या है? उन्होंने उदानो नाम यस्तु ऊर्ध्वम उपैति पौनोत्तम तेन भाषिते गीतादि विशेषो अभिप्रवर्तते, मतलब उदान वायु भाषित या गीत इत्यादि को कारणीभूत है, मतलब भाषा व्यक्त करने के लिए कारणीभूत है या गीत व्यक्त करने के लिए या वाक् प्रवृत्ति करने के लिए ये उदान वायु कारणीभूत है। और उसमें क्या बताए? भाषा रूप और घोष रूप। अब ये कैसे कार्य करते हैं ये हम देखते हैं। ये जो कार्य करने वाली श्लोक है, द्वाभ्या भाष्यते द्वाभ्याम घोष करोति, मतलब दोन शब्द व धमनियों द्वारा ये जो है बात करने की क्रिया होती है, और दो शब्द व धमनियों द्वारा घोषयुक्त ध्वनि निर्माण करती है। दो घोष के लिए, दो शब्द के लिए ऐसा सुश्रुत शालिस्तार में बताया है। और इसलिए ये जो घोष है, ये जो घोष की उत्पत्ति है, उन्होंने ये जो भाषा है ये व्यक्त होती है वैखरी के हिसाब से, लेकिन घोष है वो अव्यक्त है, वो बस जो व्यक्ति है उसको ही सुनाई देता है, दूसरे को सुनाई नहीं देता। इसलिए घोषश्च तद विपरीत अव्यक्तः शब्दः, मतलब ये अव्यक्त शब्द है घोष। अब ये शब्द और घोष की उत्पत्ति कैसी होती है और ये वाक् प्रवृत्ति कैसी होती है, तो हमें पता है कि जब ये वाक् प्रवृत्ति होती है तो उसमें जो बताए कि परा पश्चंती मध्यमा वैखरी। अभी परा पश्चंती मध्यमा वैखरी ये बताए, लेकिन ये जो परावाणी है, ये परावाणी कैसी है? ये सेम, ये परावाणी अव्यक्त है। अब ये अव्यक्त वाणी है, ये कहाँ से शुरुआत होती है? नाभि के यहाँ से, जहाँ कायाग्नि है। ये अव्यक्त है, किसको पता चलती है? जो बात कर रहा है अंदर से, पूरे उसके सूक्ष्म रूप से बस उसको ही पता चलती है। अगर कोई स्मरण कर रहे हैं अंदर से, वो बस उसको ही अव्यक्त रूप से पता चलती है, वो होती है परावाणी। उसके बाद होती है पश्चंती। पश्चंती कहाँ होती है? ये जो पश्चंती है उरस्तान में व्यक्त रूप से थोड़ी व्यक्त होने लगती है, मतलब उरस्तान में व्यक्त होने लगती है, ये पश्चंती वाणी है। फिर मध्यमा क्या है? उर प्रदेश से लेकर कंठ प्रदेश के दरम्यान जो है वो उत्पन्न होने वाली वाणियाँ है। अभी क्या होगा? परा पश्चंती मध्यमा। अब है वैखरी वाणी। अब ये वैखरी वाणी क्या है? ये वैखरी वाणी क्या है? मुख में दांत से, ओष्ठ से, जिह्वा से, कंठ से ये व्यक्त होने वाली ये जो वाणी है इसको वैखरी कहते हैं। अब ये वैखरी वाणी है। अब ये वैखरी वाणी अब कैसे व्यक्त होती है? तो ऐसे बताए कि उसके जो शब्द है, जैसे कंठ है, कौन से है? क ख ग घ। तालव्य जो शब्द है च छ ज ज श श। मूर्धा जो शब्द है ट ठ ड ढ न। क्या बोल रहे हैं हम? कैसे? दंत्य, दांत और जिह्वा के हिसाब से जो आ रहे त थ द ध न, ये क्या है? दंत है। और ओष्ठ, ओष्ठ बंद करके क्या? प फ ब भ म, ये क्या है? ओष्ठ से। मतलब यह ऐसा है कि जब हम कोई भी वाणी मतलब वाक् प्रकार उच्चार करते हैं तो कौन सा है, कहाँ उसका स्पर्श होता है, उसके हिसाब से वाणी व्यक्त हो जाती है। ये कैसे व्यक्त होती है? तो आचार्य ने जो बताया है, ये जो स्वर वह है उसमें व्यक्त होने के लिए आकाश महाभूत इम्पॉर्टेंट है। और इस आकाश महाभूत में वात का अनुप्रवेश हो जाता है। इस आकाश मतलब पोकली है, ये देखिए कंठ नाड़ी स्वर जो मुख है, ये क्या है आकाश नामक प्राधान्य है। वहां क्या होता है, इस वायु का जब अनुप्रवेश हो जाता है तो शब्द की उत्पत्ति शब्द की निर्मित होती है। ऐसे चरक आचार्य वात कलाकलीय अध्याय में 12 अध्याय में बता रहे, मतलब यहाँ ये वाक्य की उत्पत्ति हो रही है। अब ये वाक्य उत्पत्ति होते वक्त हमने जैसे कहा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कंठ्य तालव्य। अब एक एक हम ले लेते हैं। अब देखिए हम कैसे कंठ से ले रहे हैं, क ख ग घ। अभी क्या है कंठ में कौन से धातु है, घंटा के हिसाब से थोड़ा ये रसव और रक्तव स्रोतस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगर ये शब्द ये उच्चार करने के लिए प्रॉब्लम आते हैं, उस धातु के तरफ हमें ट्रीटमेंट करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस धातु को हम कभी देखते नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चे आते हैं वो बात करने में तो सक्षम नहीं होते, कोई शब्द उच्चार नहीं कर पाते, तो अगर वो उच्चार क्यों नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त उनके कौन से वर्ड्स कौन से शब्द वो उच्चार नहीं कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो जो तालव्य शब्द छ, ये क्या है तालव्य में तालु के हिसाब से जहाँ जिह्वा स्पर्श करती है, मतलब वहाँ कौन सा है ये अम्बोह स्त्रोतक उदक व स्त्रोतस जिह्वा के हिसाब से। अगर उसमें स्त्रोतस ये है धातु के हिसाब से, अगर ये है वो स्त्रोतस में कोई तो प्रॉब्लम होगा, तो वो जो ट्रीटमेंट करनी है जैसे अभी ओष्ठ के लोग ओष्ठ के हिसाब से क्या है प फ ब भ, मतलब क्या हुआ जब ओठ बंद हो जाते हैं तो ये वर्ड आ रहे हैं। अब ये वर्ड आ रहे हैं तो अगर ओष्ठ किसके है, ओष्ठ है मांस और शुक्रव स्त्रोतस के है, क्योंकि ओष्ठ से शुक्रव स्त्रोतस प्रतीत होता है। ओष्ठ स्तन या चेहरा स्तन और जनन इंद्रिय ये शुक्रव स्त्रोतस का प्रतीक है। वहां के हिसाब से हम ओष्ठ के हिसाब से देखेंगे तो शुक्रव स्त्रोतस और मांस स्त्रोतस में कोई प्रॉब्लम आया है, कोई बिगाड़ है। वहां का अग्नि कैसा है, वहां के धातु के हिसाब से कैसा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। उस हिसाब से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो जो वाक प्रवृत्ति में कोई शब्द अगर वो बच्चा या कोई भी उच्चार नहीं कर पाता, उसकी ट्रीटमेंट हम प्रॉपर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए देखिए हमें क्या क्या देखना होगा। ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें वो स्त्रोतस देखना है, उसके हिसाब से कायाग्नि अग्नि देखना है और उसके हिसाब से उदान वायु के हिसाब से। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी जिह्वा जाड्य आ जाती है और जिह्वा जाड्य होने की वजह से वाक प्रकृति प्रॉपर नहीं हो पाती या अग्नि के हिसाब से प्रॉपर। कभी देखिए आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद अगर कोई वर्ड आप बात नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ अग्नि डाइजेशन करने के लिए कार्य कर रहा है, सब बल वहाँ कार्य कर रहा है, उसके वजह से कोई ताकतवान कोई वर्ड अगर होता है तो वर्ड उच्चार करने में कोई दिक्कत आती है। या कोई ऐसा होता है कि हम भरपेट खाना खाते हैं, कोई बीमारी हो, उस वक्त क्या होता है बात कर रहे हैं जीव में जीवा जाड्यता आ जाती है। जीवा जाड्य की वजह से ये आमता होने की वजह से कोई वर्ड हम यूज नहीं कर पाते। ये अग्नि बांधने के वजह से आम आ रहा है, आम के वजह से जिह्वा स्तंभ आ रहा है, उसके वजह से जिह्वा जाड्य आ रहे, उसके वजह से ये वर्ड हम यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि जिह्वा जाड्यता ये अग्नि और उदान वायु की प्रेरणा के वजह से होता है। क्योंकि उदान वायु क्या कर रहा है, उदान वायु जो मलिन अंश है शरीर के, ये सब मलिन अंश शरीर से बाहर निकाल रहा है। अगर वो मलिन अंश ऐसे शरीर में रहे तो उसके वजह से भी ये वायु विष शरीर में रहने की वजह से सब धातु में अमांश वैसा ही रहता है, वायु विष वैसे रहते हैं, उसके वजह से भी ये जठराग्नि मांद्य या धात्वाग्नि मांद्य भी, और उसके वजह से बीमारी और ये वाक प्रवृत्ति में जो अभी बताया वो प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए अगर ऐसा होता है तो उसके लिए अगर जिह्वा जाड्यता है, जिह्वा जाड्य के लिए आप कल्याणक लेह यूज कर सकते हैं जिह्वा के लिए। उसके साथ उदान वायु और जठराग्नि की क्रिया हमें करनी है। उदान वायु की ट्रीटमेंट लास्ट में देखेंगे। जब उदान वायु की वो ट्रीटमेंट हम करेंगे तो उसके लिए मैंने बताया अभी कि वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। अब वाक प्रवृत्ति के लिए आपने कभी बल्यगण यूज किया, वाक प्रवृत्ति के लिए आपने कभी वर्ण्यगण यूज किया, क्योंकि ये इसके ही कार्य है ना। मैं यूज करता हूँ क्योंकि इससे सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि अगर हमें उदान वायु अच्छा करना है, ये उदान वायु की प्रेरणा है, ये उदान वायु का कार्य है। अगर हम वो देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ उदान वायु कार्य करता है, सर्वश्रेष्ठ उदान वायु के भी ऊपर उसका कार्य होता है। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम अग्नि अच्छा करना है या उदान वायु के हिसाब से उसको अच्छा करना है तो बल्लेगन, वर्णगन, स्मृति की दवाई के हिसाब से अगर आप ये दवाई दे देते हैं तो उसके साथ कल्याणक लेह देते हैं, उसके साथ गंडुश करते हैं तो वाक प्रवृत्ति में किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम आया हो या कोई तकलीफ हो तो जल्दी उससे कम हो जाती है। आप दे के देखिए पेशेंट को। इस हिसाब से ये वाक प्रवृत्ति है। ये हमने देखा वाक प्रवृत्ति। अभी ये जो वाक प्रवृत्ति परा पश्चंती मध्यमा वैखरी के हिसाब से हमने देखा। ये देखो भाष्य, भाषा के हिसाब से देखा, हमने घोष के हिसाब से नहीं देखा। कभी देखिए ये वायु सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है, पौनोत्तम क्यों कहा है, हमने कभी इसके बारे में सोचा है क्या? हमें कभी किसी का स्मरण करना हो, किसी के आराध्य देवता हो, किसी के आराध्य विठल हो, किसी के कृष्ण हो, किसी के प्रभु रामचंद्र हो, किसी के और कोई हो, तो उनके आराध्य देव का अगर हमें स्मरण कंटिन्यू करना है, जैसे हमें, मैं कह रहा कि हाँ विठ्ठल, हम जब बार बार विठ्ठल 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 या हम प्रभु श्री राम श्री राम श्री राम या श्री कृष्ण श्री, हम जब वैखरी से बार बार इसका उच्चार करते हैं, किसी मंत्र का बार बार हम उच्चार करते हैं तो ये वाणी वैखरी वाली फिर क्या होती है, उल्टी कार्य करती है। उल्टी कार्य करती है मतलब ये वाणी वैखरी से मध्यमा में आती है, मध्यमा से पश्चंती में आती है, पश्चंती से परा में आती है। अब ये परावाणी बस आपको ही सुनाई देगी। मतलब आप जब ये मोक्ष अवस्था में पहुंचाने के लिए, उस साधना की अवस्था में पहुंचाने के लिए, ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्व सृष्टि की तरफ लेके जाने के लिए ये पौनोत्तम क्यों है, क्योंकि यही वायु आपके घोष, देखिए स्मरण कर रहे हैं तो चलो विठल विठल करें, आप डायरेक्ट आपको कोई पता नहीं, आप अंदर मन में कोई बात कर सकते हैं क्या? देखिए नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो वैखरी में नहीं आता तब तक वो परा में नहीं जाता। मतलब जब तक वैखरी से बार बार उसका उच्चार नहीं होता तब वो परा में उसका कार्य नहीं हो पाता। चलो अब जब विठ्ठल विठ्ठल या श्री कृष्ण आप बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण प्रभु श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा हम बात करें तब क्या हो रहा है, बाद में आप बैठे हैं आप कोई कार्य कर रहे हैं तो अंदर की जो परावाणी है वो परावाणी अपने आप वो कार्य, आप सोचिए बात कर रहे हैं, हाँ वो श्री राम अपने आप कर रहे हैं। इसको तो स्वसंवेद्य कहते हैं। स्वसंवेद्य मतलब क्या है, ये स्वसंवेद्य लेके जाने का काम ये कौन कर रहा है, ये उदान वायु कर रहा है। कैसे स्वसंवेद्य मतलब ऐसा कहा है कि आप संसार में रहो, आपके जो कार्य है, आपके सभी कार्य जो संसार में है, आपका जो कर्म है वो सब करो लेकिन स्वसंवेद्य रहो। स्वसंवेद्य मतलब कैसा है, जैसे नारियल है, नारियल जो पहले वाला नारियल होता है, जो वो नारियल कैसा होता है, पहला जो आर्द्र नारियल होता है वो पूरा अंदर से चिपक के बैठता है और वो चिपक के बैठना, वो निकालो निकलता नहीं क्योंकि वो संसार में पूरा चिपक के बैठता है, लेकिन वो सूख जाता है। तो देखिए वो नारियल में ही है लेकिन वो उसको लिप्त नहीं हुआ, वही है ये उदान वायु आपको स्वसंवेद्य बनाता है। वो स्वसंवेद्य कैसा कि आपको उस अवस्था में इस प्रभु के तरफ लेके जाना है, आपके कोई आराध्य है वहां तरफ लेके जाने के लिए वो कार्य करता है उदान वायु। जैसे श्री राम, आप अभी कोई कार्य कर रहे हैं, समझो आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर से वो घोष से सूक्ष्माति सूक्ष्म मतलब खून से, मसल से, अणुपरमाणु से, स्नायु से, हड्डियों से ये स्वर, ये घोष श्री राम श्री राम श्री राम वो अपने आप कंटिन्यू चालू रहता है। ये कार्य कौन करता है, ये कार्य करता है उदान वायु सूक्ष्म। आप देखिए उदान वायु का काम इतना ही है, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया इतना नहीं है, सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु रेणु खून सब जगह से अगर वो मलिन अंश लेके आता है तो वहां तक उसका कार्य, वहां तक वो क्रिया उदान वायु कर रहा है। इसलिए ऊर्ध्व सृष्टि तक लेके जाने के लिए ये जो घोष है, ये जो सूक्ष्म जो परावाणी है, ये परावाणी का कार्य ये उदान वायु करता है और ये उदान वायु पौनोत्तम है, हमें मोक्ष प्राप्ति के यहाँ द्वार को लेके जाने के लिए, ऊहा तक लेके जाने के लिए। इसलिए ये वाक प्रवृत्ति में हमने इसको देखा। हम थोड़ा जाते हैं, टाइम कम है इसके लिए हम और बहुत ले सकते हैं, तो थोड़ा जाते हैं वाक प्रवृत्ति प्रयत्न। आप जाते हैं प्रयत्न। अभी प्रयत्न मतलब क्या है, हम प्रयत्न के लिए क्या बता सकते हैं? प्रयत्न मतलब प्रयत्न कार्यरम्भेषु उत्साह। आप कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य का उत्साह जो है, उत्साह किसका है? ये उत्साह प्रयत्न, ये उदान वायु का है। चलो हमें ये पता है, प्रयत्नानि कर्मचेष्टितम् उच्यते। प्रयत्न पूर्वक की गई चेष्टा कोई भी हो उसको प्रयत्न करते हैं। अभी 31 दिसंबर आता है तो हमारा प्रयत्न जागृत होता है कि हमें 1 तारीख से हमें ये करना है, हमें जिम को जाना है, हमें वो करना है, हमें ये करना है। 31 दिसंबर को रात को सब तय हो जाता है। क्या होता है, ओनली 1 जनवरी को हम ये कार्य आरंभ कर देते हैं और 2 जनवरी को बंद हो जाता है। लेकिन उदान वायु का कार्य ओनली यहाँ तक नहीं है। उदान वायु क्या करता है, ये कार्य आखिर तक लेके जाने का, कोई भी प्रयत्न हो वहां तक लेके जाने का कार्य कौन करता है? ये कार्य उदान वायु करता है। देखिए किसी की एग्जाम आई हुई है, अभी एग्जाम के लिए हमें पढ़ाई करनी है, तो हम पढ़ाई के लिए चलो हम आज से स्टार्ट करते हैं, फिर अंदर का मन चलो यार कल से कर देते हैं। मतलब जो भी कार्य आपने तय किया है उस वक्त स्टार्ट करना, आरंभ करना और उसकी शुरुआत करके वो एंड तक लेके जाने का जो काम कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो कौन कर रहा है? ये उदान वायु कर रहा है। इसलिए अगर उदान अच्छा है, आपका कार्य आखिर तक प्रॉपर लेके जाने का कार्य ये पौनोत्तम उदान वायु करता है। इसलिए कार्य आरंभेशु उत्साह, ये उत्साह है। कभी कभी कहते हैं ना, ये कुछ नहीं, इसको ये स्टार्ट कर देता है, बात का बताया कि ये स्टार्ट कार्य आरंभ करता है, छोड़ देता है। लेकिन अगर उदान वायु का प्रॉपर कार्य तो आखिर तक वो कार्य लेके जाता है। लेकिन ये ओनली ऐसा ही करता है का नहीं। अब देखिए प्रयत्न किसका गुण बता है, ओनली उदान वायु के हिसाब से हम सोचेंगे तो अलग थोड़ा सोचते हैं कि उदान किसका, ये आत्मा के आध्यात्मिक गुण बताए हैं। और कौन से गुण है, कैसे बताए, देखिए आध्यात्मिक गुण, इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मनः। चरक शारीस्थान में बताया है, बुद्धि इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न, ये 6 गुण आध्यात्मिक गुण है। देखिए ये आध्यात्मिक गुण है। अगर ये आध्यात्मिक गुण हमें आखिर तक लेके जाने वाले हैं, आत्मा के गुण है, अगर अध्यात्म में हमें उस अवस्था तक लेके जाना है तब हमें कहीं खंडन नहीं होना चाहिए। उस लेवल तक लेके जाने, उस जब तक हमें कोई कार्य है वो प्राप्त नहीं हो जाता तब तक करना है। ये कार्य आत्मा उदान वायु की प्रेरणा से करता है, वो कार्य प्रेरणा। अभी वो कैसा होता है, उसके 2 प्रकार बताए हैं, एक जीवन पूर्वक प्रयत्न और इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न। जीवन पूर्वक प्रयत्न मतलब क्या है, अगर देखिए जीवन प्रयत्न कभी कभी ऐसा होता है, आत्मा का लक्षण बताए, लेकिन देखो आप सो गए, सोने के बाद क्या होगा, इंद्रिय सुषुप्त अवस्था में है, मन क्या है, मन विश्राम अवस्था में है। अब ये मन विश्राम अवस्था है, इंद्रिय सुषुप्त अवस्था में है, तो ये जीवन का चलन तो चल रहा है, सांस तो आप ले रहे हैं, रस रक्त संवाहन तो हो रहा है, हृदय की क्रिया भी चल रही है। ये जो कोई भी उसको अगर सब अवस्था उसकी नहीं है फिर भी ये जीवन प्रवाह चल रहा है, ये जीवन प्रवाह, ये प्रयत्न जो गुण है ये आत्मा उदान वायु से करवाता है। इसलिए इसको जीवन पूर्वक प्रयत्न कहा है। मतलब आप सोते हैं तो ये उदान वायु ये कार्य करता है, ये प्रयत्न कार्य करता है, आत्मा ये करवा के लेता है। हम सब कहते हैं शरीर सो गया, लेकिन आत्मा जो परब्रह्म है वो नींद वो जगह है, वो सोता नहीं है, वो 24 आवर्स नींद, मतलब हमारा शरीर सो सकता है लेकिन आत्मा जो है परब्रह्म कहते हैं उसको, वो परब्रह्म वो जगा हुआ होता है और वो कार्य, वो प्रयत्न, जीवन पूर्वक प्रयत्न वो हमारे पूरे शरीर का करवाता है, इसलिए हम जिंदा है। दूसरा है इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न। अभी इच्छा द्वेष पूर्वक में क्या, हमें क्या है, हमें कोई हित के लिए, कुछ अहित के लिए, जो कोई व्यापार में प्राप्ति करने के लिए, चलो मैं यहाँ आया हूँ कुछ करने के लिए, ये कोई अलग जगह जा रहे कुछ प्राप्ति करने के लिए, कुछ हित के लिए, कोई अहित के लिए जो कार्य करवाते हैं, वो जो प्रयत्न है, ये भी प्रयत्न किसका कहा है, ये उदान वायु का है। उदान वायु की वजह से ये कार्य होता है और ये कार्य हमारा शरीर करवाता है। मतलब कोई भी क्रिया हो जो हमें प्राप्त करनी है इच्छा दे हित के लिए, मतलब मुझे अच्छा एमडी डॉक्टर बनना है, मुझे अच्छा बड़ा डॉक्टर, बहुत अच्छा साइंटिस्ट होना है, रिसर्च में काम करना है, मुझे ये करना है, ये जो है इच्छा दोषपूर्वक जो स्टार्ट से लेकर आखिर तक ये आत्मा के प्रेरणा से उदान वायु ये कार्य कराता है, इसलिए प्रयत्न इतना इम्पॉर्टेंट है। ये जो प्रयत्न का आरंभ और उत्साह ये पर्यायवाचक नाम है, इसलिए ये जो कार्य है उदान वायु हमें करवा के लेता है। अभी देखेंगे वाक प्रवृत्ति प्रयत्न कितना इम्पोर्टेंट है, प्रयत्न पूरा कार्य करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो उदान वायु ये सूक्ष्मातिशु ओनली ये प्रयत्न है क्या, नहीं, अगर किसी रक्त धातु को उसका कार्य प्रॉपर करना है तो वो भी प्रयत्न उदान वायु करवाता है। रस को उसका कार्य उस अवस्था तक लेके जाना है, वो भी कार्य उदान वायु करता है। शुक्र का रस से लेकर शुक्र तक की अवस्था में जो कार्य करवाना है, वो जो प्रयत्न है, उसको जो आगे तक जो कार्य हमारे शरीर को लेके करना है, वो भी प्रयत्न जो है वो कौन करता है, उदान वायु करता है। इसलिए वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा। अभी ऊर्जा की तरफ आते हैं। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा मतलब प्रीणन। हिमाद्री में, हिमाद्री टीका में बताया कि ऊर्जा मतलब प्रीणन। अब ये ऊर्जा मतलब प्रीणन कैसा, स्त्रोतः प्रीणन मद बोधन क्रिया। क्या है मतलब, इसमें कहा है कि धातु को पोषक अंश जो है जो प्रॉपर देना, इसको कहते हैं प्रीणन। और ये हुआ स्त्रोत्रा प्रेरणा मनोबोधन क्रिया। मनोबोधन मतलब मन की जो धी ध्रुति ये जो कार्य है, ये प्राणवायु के द्वारा प्रॉपर उदान वायु भी जो करवाता है, ये कार्य है ऊर्जा का, ये उदान वायु करता है। ऊर्जा मतलब कार्य करने में जो शक्ति लगती है हमें, उसको कहते हैं ऊर्जा। अभी ये ऊर्जा के हिसाब से हम ये जो श्लोक बताया था ऊर्जा का अष्टांग हृदय में कि स्त्रोतोपीनम मनोबोधन क्रिया, अब ये कैसे प्रेरण होता है, कैसे कार्य करता है कि अभी देखिए प्रेरण हो रहा है, या एक एग्जाम्पल दे देता तब समझ में आएगा कि ये ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। एक देखिए, अगर कोई सैनिक है, कोई सैनिक युद्ध के लिए गया है, शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज युद्ध के लिए गए, अगर उनमें ओनली 5000 कभी कभी सोल्जर होते थे और जो आगे वाले जो थे उनके पास कभी कभी 20,000, 30,000, 40,000, 80,000, लेकिन 5000 सोल्जर्स उनको भारी होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि देखिए कोई भी ये युद्ध के लिए जाते थे तो युद्ध उनमें ताकत तो इतनी थी कि उन्होंने कहा कि एक साथ ये कितनी कितनी ज्वार की जो भाकरी होती है, लोग कितने खाते थे, 50-55 भाकरी, इतनी इतनी भाकरी खाते थे, उनके ताकत तो बेशुमार होती थी। 80 kg जो तलवार थी वो लेके तो लड़ते थे 6-10, 12 घंटे, 24 घंटे, हम तो उठा भी नहीं पाते थे, उनमें इतनी शक्ति थी। फिर भी जब युद्ध स्टार्ट हो जाता था वो पहले उच्चार करते थे हर हर महादेव, कोई भी हो देख ले, उनका जो है, उनकी जो प्रेरणा है उसका उच्चार करते थे। देखिए उच्चार क्या, हर हर महादेव या जय शिवाजी जय भवानी, अगर ये उच्चार करते थे, देखिए हम अब भी हम उच्चार करते हैं उससे, हर हर महादेव अगर हम उच्चार करते हैं तो बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है, बॉडी में एक ऊर्जा आ जाती है। क्या हुआ कि इस वाक प्रवृत्ति से जो ऊर्जा उत्पन्न होने वाली है, ये ऊर्जा पूरे धातु के रस से लेकर शुक्र तक प्रीणन कार्य कर रही है और उसका पोषण कर रही है। ये पोषण कार्य की वजह से स्रोतस का प्रीणन हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और ये ताकत हमें मिल रही है। इसलिए चरक आचार्य भी बताए हैं, देखिए क्या है कि कोई भी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथ का पाठ करते हैं या श्लोक पाठांतर करते हैं, ये आचार्य चरक बोलते हैं कि श्लोक पाठांतर या ग्रंथ का पठन करते हैं, उनका आयु बढ़ता है, उनका आयु ज़्यादा होता है। अब वो ग्रंथ का पाठन कर रहे हैं, ये श्लोक पाठ कर रहे हैं, तो उनकी आयु कैसी ज़्यादा होगी। देखिए हम कोई भी मंत्र जब करते हैं, कोई भी मंत्र उच्चार करते हैं तो कहाँ से होता है, ये नाभि से होता है। कैसे हो रहा है देखिए, हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं स्वर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमावह। देखिए नाभि को हम वहाँ से एक प्रकार का फोर्स दे रहे हैं। अब जब नाभि को हम फोर्स दे रहे हैं, वहाँ से उच्चार हो रहा है, मतलब पहला जब ये उच्चार होता है तो नाभि को जब उसको एक प्रकार का प्रेशर और वो होके होता है तो कायाग्नि को भी वो प्रेशर आ रहा है और ये उच्चार करते वक्त वो कायाग्नि प्रज्वलित होता है, वो अग्नि प्रज्वलित होता है। जब अग्नि प्रज्वलित होता है तो उसके वजह से धात्वाग्नि भी अच्छे होते हैं और उसके वजह से अगर हमें ये पता है पित्तधरा कला सयो मज्जाधरा कला, सायो मज्जाधरा कला, अगर इस ग्रहणी में इस नाभि में पित्तधरा कला है और मज्जाधरा कला है, पित्तधरा कला अच्छी होती है तो मज्जाधरा कला अच्छी होती है। और मज्जा के हिसाब में क्या बता है, ये जो मस्तुलुंग है उसमें मज्जा है, मतलब जो ब्रेन है वो मज्जे से तैयार हो रहा है, मतलब इस ग्रहणी में इसमें क्या हो रहा है, ब्रेन सेल्स तैयार हो रहे हैं। अगर यहाँ का अग्नि अच्छा होता है तो ब्रेन वहां तक भी ये ब्रेन अच्छा तैयार हो रहा है, वो स्मृति के हिसाब से इसके हिसाब से, और उसका जो कार्य है जो सात्विक कार्य है वो प्रॉपर करता है, सत्वयुक्त कार्य प्रॉपर करता है और वो कार्य अच्छा होता है और पूरे शरीर के अग्नि भी उससे अच्छे हो रहे, धात्वाग्नि भी अच्छे हो रहे। तो मुझे बताइए ये आपकी आयु बढ़ाए ना, आपकी आयु अच्छे नहीं कर रहे तो चरक आचार्य क्यों, क्योंकि ये श्लोक जो है, हम जो हमारे श्लोक देख रहे हैं ना, ये हमें पता ही नहीं कि इतने श्रेष्ठ है। अगर वेद में जैसे हम अथर्ववेद पढ़ रहे हैं और अथर्ववेद पढ़ते वक्त उसमें क्या बताए, ये सब ऋचा है, ये ऋचा पढ़ते वक्त हमें इतनी ऊर्जा और इतनी एनर्जी मिलते हैं, वैसे ही ये श्लोक है। हमारे सदगुरु जी हमारे गुरु कहते थे कि जैसे हम किसी भगवद गीता का पाठ करते हैं जैसे तो वैसे ही ये ग्रंथ का पठन करो, मतलब वाग्भट का पारायण करो, चरक पारायण करो, सुश्रुत का पारायण करो। ये पारायण करते वक्त ये श्लोक जब हम पाठांतर करते हैं उससे हमारे शरीर में एनर्जी ऊर्जा आती है, वही तेज हमारे शरीर को देता है। देखिए अब ये पाठांतर करते हुए शरीर में प्रॉपर सा एक तेज और एक ताकत, एक ओज आता है और ये ओज इसके वजह से है, ये ऊर्जा। और ये ऊर्जा देने का काम कौन कर रहा है, ये ऊर्जा देने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है उदान। क्योंकि क्या होता है जब हम कोई भी उच्चार करते हैं तो उस वक्त प्रेशर से ये शरीर का सब मलिन अंश, ये उदान वायु तो बाहर निकल रहा है और उस सूक्ष्म अंश तक प्राणवायु भी वहां जाके उसका मांस का धातु का सबका पोषण ये कौन कर रहा है, ये उदान वायु के प्रेरणा के वजह से होता है। इसलिए ये ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का स्रोत ये उदान वायु बता है। इसलिए वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा आपका है बल। देखिए बल का है, बल बल मतलब क्या, बल भी उदान वायु को दिया है। हम ये करते हैं पाठ करते हैं, मतलब दशविध परीक्षा करते हैं, दशविध परीक्षा में भी बल है, वहां भी हम उदान वायु चेक करते हैं। अब बल कैसे आ गया उदान वायु में, हम थोड़ा बल के बारे में जानते हैं, फिर हम वहां जाते हैं। बल का एक श्लोक दिया है, ये जो है सुश्रुत आचार्य में ये श्लोक दिया हुआ है। श्लोक कैसा है? बल लक्षणम बलक्षय लक्षणम चात ऊर्ध्वम उपदेशामः तत्र रसादीनां शुक्रांतानां धातुनां यत् परम तेजस्तत खलु ओजा तदेव बलम इति उच्यते। सो शास्त्र सिद्धांत जो बताया है ये सुश्रुत आचार्य ने इनमें कहा है रस से शुक्र तक परम उत्कृष्ट जो तेज है उसको ओज कहा है, और ये जो ओज है उसका ही दूसरा नाम बल है। इन्होंने क्या कहा है? जो परमोच्च तेज है जो उसको ही बल कहा है, बल इति उच्यते सुश्रुत आचार्य ने बताया है। मतलब शरीर में जो ओज के हिसाब से सब जगह कार्य होता है उसको बल का है। थोड़ा और एक श्लोक है जो उन्होंने बताया है, तत्र बलेन स्थिर उपचित मांसतः सर्वचेष्टा स्वप्रतिघातः स्वर वर्ण प्रसादो बाह्य नाम अभ्यंतरणाम च करना नाम आत्मा कार्य प्रतिपत्तिर्भवति। मतलब क्या है? ये सर्व का जो काम है, कार्य है, ये कौन कौन सा कार्य? मांसपुष्ट, कायाग्नि अच्छा होना, वाक प्रवृत्ति अच्छा होना, मन की क्रिया मतलब स्वर वर्ण, स्वर स्पष्ट होना, वर्ण उत्तम होना, बाह्य कर्मेंद्रिय जो बताए वो, और अभ्यंतर बुद्धि इंद्रिय जो बताए हैं इनका कार्य प्रॉपर रहना। और ये इनका कार्य कब प्रॉपर होता है? इनका कार्य बल के कार्य से या बल से उत्तम होता है। और ये बल उसके ऊपर अभी हमने सब देखा स्वर वर्ण, अभी तो वर्ण के हिसाब से हम देखेंगे बाद में, लेकिन ये इसके ऊपर जब बल अच्छा है, बल कब अच्छा होगा? उदान वायु अच्छा होगा। उदान वायु अच्छा होगा तो ये सब प्रॉपर ओज भी अच्छा होगा, तेज भी अच्छा होगा। ये उदान वायु के कार्य के प्रैक्टिस। अभी बल हम कैसे एक प्रैक्टिकली थोड़ा देखेंगे कि बल ये कैसे कार्य कर रहा है। अब देखिए हमने देखा कि उदान वायु कैसा है। उदान वायु का गुण बताया है शीत गुण, और उदान वायु का महाभूत कौन सा है? उसका है अप्य महाभूत, इसलिए उरस्थानम उदानस्य। उरस्थानम में जो आप्य महाभूत के वजह से प्रेरणा से रहता है, इसके लिए इसका गुण शीत गुण बताया है। और ये शीत गुण के वजह से उसका बल गुण कैसे दिखाई देता है? देखिए, चलो आप जिम में जाते हैं या कोई भी हेवी आप उठाते हैं, तो आप उस वक्त क्या करते हैं? उस वक्त आप ऐसा करते हैं, आपने उदान वायु छोड़ दिया, और उदान वायु छोड़ने के बाद आप कोई उठा सकते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते। उस आप देखिए उतनी ताकत नहीं, उठा सकते हैं लेकिन उतनी ताकत नहीं है। बल का अगर उदाहरण आपको लेना है तो आपको अगर 50 kg वेट उठाना है तो आप क्या करते हैं? आप सांस ले रहे हैं लेकिन उदान वायु को आप बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। जब उदान वायु को बाहर नहीं छोड़ रहे तो आप देखिए ये जो शीत गुण का स्तंभन मैंने बताया आपको कि आप जब उदान वायु अंदर है, उदान वायु का काम देखिए, आपके कुछ उठाते तो ताकत से, तो उदान वायु उसी बोन में है, हर स्नायु में है, हर मांस में है, हर कंडरा में है, उसकी प्रचिति अभी आती है। जब आप कुछ उठा रहे हैं उसकी ताकत पूरे सीने पे, पूरे स्थान पे आती है, थोड़ी पैर पे या उस पे वहां आता है, तो उठाते हो वो ताकत जो लगती है वो ताकत उदान वायु के प्रेरणा के है। इसलिए बल काम देखिए कैसे प्रैक्टिकली पता चलता है। उसमें छोड़िए हवा और उठाइए, उठा सकते हैं। 100 kg आप सांस लेते हैं, उठा सकते हैं, और जब तक सांस है आपको पता नहीं चलेगा आपने उठाए, सांस छोड़ दिया, आपको पता चलेगा। मतलब ये बल का गुण, बल का जो कार्य है उदान वायु कैसे करता है, इससे पता चलता है कि उदान वायु मांस में जाके बल का काम कैसे कर रहा है, स्नायु में जाके बल का काम कैसे कर रहा है, मतलब उरस्थान में, या वैसे ही ये वर्ण में जाके काम कर रहा है, वह पृथ्वी में जाके काम कर रहा है। मांस की पुष्टि, अब मांस पुष्टि कैसे करता है? अगर उदान वायु इस प्राणवायु उस मांस की तरफ लेके जा रहा है, वहां प्राणवायु के हिसाब से उसकी प्रेरण कर रहा है और मांस की पुष्टि भी प्रॉपर करवा रहा है। मांस की पुष्टि के वजह से वर्ण उत्तम होने के लिए बाह्य कर्मेंद्र के लिए, अभ्यंतर बुद्धि इंद्रिय के लिए जो ये काम कर रहा है, सेम यही कौन सा, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि आप जब उदान वायु है तो जो बल का कार्य कर रहा है, जो ताकत का कार्य कर रहा है, वो बल का कार्य ऐसे हिसाब से वो कार्य प्रवृत्त कर रहा है। हम जाते हैं वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण। हम आते बल वर्ण की तरफ। वर्ण है, चलो वर्ण के हिसाब से हम जाते हैं। हमें पता है कि वर्ण कौन से है, गौर है, श्याम है, कृष्ण और गौरशाम, ये चार वर्ण है। अब ये चार वर्ण है तो इस चार वर्ण के हिसाब से अब उदान वायु कैसे कार्य करता है? ये जो वर्ण विकृत, वर्ण किसके हिसाब से है? वर्ण है रक्त और पित्त के घटक के प्राकृत अवस्था में वर्ण निर्मिति उत्तम होती है। किससे? रक्त और पित्त के, इसका प्राकृत, ये प्राकृत घटक है तो वर्ण उत्पत्ति होती है। लेकिन अत्यधिक शीत गुण बढ़ने के वजह से, अत्यधिक शीत गुण बढ़ने से वजह से क्या होता है? चलो ठंडी में अत्यधिक शीत गुण बढ़ा, चलो कोई पानी में हम रहता है बहुत देर तक, स्विमिंग टैंक में हो या वो क्लोरीन के सामने, कोई नॉर्मल पानी में भी बहुत देर तक होते हैं शीत गुण, उसमें क्या होता है, ये शीत गुण ज्यादा बढ़ता है तो रक्तवाहिनी अंकुचित हो जाती है और रक्तवाहिनी अंकुचित होने के वजह से रक्त और पित्त के जो घटक है, जो मूवमेंट्स कर रहे हैं, हर एक सेल तक जा रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके न जाने के वजह से ये वर्ण में विकृति आने के वजह से कृष्ण वर्ण आता है, मतलब कार्ष्ण आता है। ऐसा कार्ष्ण के बारे में बताया गया है। अब ये जो विषाणु ये हुआ वहां तक न लेके जाने के लिए, लेकिन ये अब क्या होता है, वहां से लेके भी आना चाहिए। अगर गया नहीं तो भी कृष्ण वर्ण और वर्ण में चेंज आ रहा है, और अगर वहां से नहीं लेके आए तो भी, क्योंकि ये उदान वायु क्या कर रहा है, उदान वायु सब शरीर के मलिन अंश ले रहा है और ये मलिन अंश शरीर से बाहर निकाल रहे श्वास की तरफ से, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उदान वायु क्या नहीं, मतलब ये बाहर निकल रहा है, मतलब वो उसका एक अंश है, वो इसका एक पार्ट है, वो उसके हिसाब से कार्य कर रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उदान नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक मलिन अंश है जो उदान वायु बाहर निकाल रहा है। तो अब देखिए, इसका अगर आपको एक प्रचिति लेनी है तो आप एक 20 सेकंड के लिए क्या कीजिए, 20 सेकंड के लिए आप बैठिए और थोड़ा कपालभाति कीजिए। कपालभाति करते हैं, देखिए उसमें क्या होता है, नाभि को प्रेशर आता है, नाभि को प्रेशर आने की वजह से हम वो उदान वायु जो है बार बार बाहर निकालते हैं। अगर 10-20 सेकंड पहले आप आईने में देखिए खुद को, और आईने में देखने के बाद आप ये कपालभाति स्टार्ट कीजिए, और कपालभाति करने के बाद विदिन सेकंड में आपके चेहरे पे एक रौनक आती है, आपके चेहरे पे एक तेज और एक कांति से आती है। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये जो उदान वायु है ये वायु विष है, और ये वायु विष कैसे होता है, रस से, रक्त से, मांस से, मेद से, अस्थि से, मज्जा से, शुक्र से ये मलिन अंश लेता है, और ये मलिन अंश क्या करता है, ये श्वास से बाहर निकलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये मलिन अंश श्वास से बाहर ना निकलने की वजह से यही श्वास, क्योंकि वायु क्या है, शब्द और त्वचा स्पर्श के हिसाब से है, जैसे शब्द है वो बाहर निकलता है वैसे स्पर्श भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये क्या होता है, वायु त्वचा से बाहर निकलता है ये, लेकिन क्या है, ये वायु विष है, और वायु विष होने के वजह से ये स्किन में जो वर्ण है वर्ण चेंज कर देता है। और ये वर्ण चेंज इसलिए जो बोलते हैं ना कि कोई स्किन डिसीज हुआ है, कोई प्रॉब्लम आया है स्किन पे, ये को क्या हो रहा है, ये जो वायु विष है जो उदान वायु बाहर न निकालने की वजह से वही वायु स्किन से बाहर निकल रहा है, इसलिए ये त्वचा रोग की संप्राप्ति है। मतलब इसलिए हम जब कपालभाति करते हैं उस वक्त प्रेशर से, हम खुद प्रयत्न से, वो प्रयत्न से उदान वायु शरीर से बाहर, मतलब ये जो मलिन अंश है उदान वायु, मलिन अंश शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। और मलिन अंश बाहर निकलने के वजह से पूरे धातु तक के जो विष वायु अंश है वो बाहर निकल रहे हैं। इसके वजह से धातु की अग्नि प्राकृत हो रही है। अग्नि और जठराग्नि भी अच्छी हो रही है क्योंकि नाभि को उसको प्रेशर दे रहे हैं। नाभि को प्रेशर देने की वजह से अग्नि को भी प्रेशर आ रहा है। उसकी वजह से ये वर्ण की उत्पत्ति प्रॉपर होती है और वर्ण अच्छा होता है। इसलिए उदान वायु में वर्ण डाला है। वाक, प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया। हम आते हैं स्मृति की तरफ। स्मृति मतलब क्या? अभी ये तो पता है, स्मृति ही पूर्वानुभूतस्य अर्थस्य स्मरणम, मतलब पूर्वानुभूत जो है उसका बार बार उसका स्मरण करना, मतलब स्मृति है। अनुभवजन्य ज्ञानम स्मृति ही। ये जो कहा था पहला श्लोक डल्लन ने कहा था, डल्लन आचार्य। अब ये अनुभवजन्य सुश्रुत आचार्य शालिस्थान में बता रहे हैं। अब है अनुभूत विषया संप्रोषा स्मृति ही। अब आचार्य चरक जो कह रहे हैं शालिस्थान में, दृष्ट श्रुतानुभूतानां स्मरणात् स्मृतिरुच्यते, मतलब देखे हुए सुने हुए अनुभूत विषय को स्मरण हो जाना। मतलब जो देखा है उसका स्मरण हुआ, जो सुना है उसका स्मरण होना। ये जो है ये किसके हिसाब से है? ये है स्मृति के हिसाब से। ये काम भी किसका है? ये काम भी किसका है? उदान वायु का। क्या है ये जो ताकत दी है हमें नेचर ने, कौन सी ताकत दी है? कि ये जो वाक प्रवृत्ति करते हैं या बाकी जो क्रिया है, ये किसको दी है? ये क्रिया दी है मनुष्य प्राणी को। किसको? पशु या प्राणी को दिए है क्या? ये नहीं दिए है। इसलिए ये जो है मनुष्य प्राणी मोक्ष की प्राप्ति की तरफ, इसके वजह से उदान वायु के हिसाब से वो सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकता है। इसके वजह से ये स्मृति भी है। और ये स्मृति का भी ऐसा है, ये उदान वायु प्रतिलोम गति से ये स्मृति का काम कर रहा है। इसलिए पूर्व जन्म का ज्ञान स्मृति के हिसाब से, पूर्व जन्म का ज्ञान और किसी और ज्ञान जो है ये उदान वायु की प्रेरणा से होता है। जो योगी लोग कोई भी हो जो ऐसा बता रहे कि ऐसा हुआ वैसा, ये जो स्मृति के हिसाब से जो बता रहे हैं ये उदान वायु के प्रेरणा। अगर आपको स्मरण हो रहा है पूर्वजन्म का, अध्यात्म में आप और अलौकिक कार्य मतलब गए हैं, तो वो जो कार्य कर रहा है वो पूर्वजन्म की ज्ञान और स्मृति का कार्य कौन करवा कर देता है? ये उदान वायु कार्य करवा कर देता है। इसलिए उदान बहुत सर्वश्रेष्ठ है। और उदान मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आयुर्वेद भी स्मृति के हिसाब से उदान वायु की प्रेरणा है। कैसे? अभी देखिए, ब्रह्मा स्मृत्वा, आयुर्वेद की उत्पत्ति बताइए, देखिए कैसा हुआ। ब्रह्मा स्मृत्वा मतलब ब्रह्मा ने स्मरण किया। कोई भी चीज हम स्मरण कब करते हैं? जब हम देखते हैं, जब हम अनुभव करते हैं, तभी स्मरण होता है। देखिए, अगर आपको स्मरण करना है अमिताभ बच्चन जी, आपको अमिताभ बच्चन पता है, इसके लिए हम उनका स्मरण कर सकते हैं। आपको मोदी जी पता है, स्मरण कर सकते हैं। आपको और कोई है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो श्री कृष्ण ही कोई, आपको उनका नाम और ओस पता है, इसलिए उनको हम आपको स्मरण कर सकते हैं। अगर किसी के बारे में आपको पता ही नहीं है, ना नाम पता है ना कुछ पता है, आप उनका स्मरण कर सकते हैं? नहीं। इसलिए स्मरण को क्या कहते हैं? अनुभूत विषय। जो अनुभूत है, वो सुना हुआ हो या बात की हो या देखा हुआ, ये जो है वो स्मृति के हिसाब से है। इसलिए आयुर्वेद भी ये उदान वायु की प्रेरणा से क्यों बताए? ब्रह्मा स्मृत्वा, ब्रह्मा ने स्मरण किया। ब्रह्मा ने बताया नहीं है, ब्रह्मा ने स्मरण किया। स्मरण किया मतलब आयुर्वेद इससे भी पहले वाला है। ब्रह्मा उत्पत्ति से पहले वाला है। देखिए, मतलब आयुर्वेद की उत्पत्ति हमने कभी ये इस तरह से देखा है। जब वेद की उत्पत्ति हुई तब आयुर्वेद की उत्पत्ति है, वेद की। उसके बाद ब्रह्मा ने स्मरण किया, फिर वो दक्ष प्रजापति को बताया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार, फिर इंद्र देवता को बताया, फिर हमारे ऋषि जो है भारद्वाज ऋषि और उसके हिसाब से फिर पृथ्वी पे के सब जगह आयुर्वेद आया। लेकिन ये स्मरण किया हुआ स्मृत्वा, ये याद रखिए, क्योंकि उदान वायु का इतना सर्वश्रेष्ठ कार्य जिससे हमें पता चलता है कि हमारा आयुर्वेद कितने वेदकालीन और कितना पुराना वेदकालीन यहाँ से आया हुआ है, कितना सर्वश्रेष्ठ है। इसके वजह से उदान भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसको उदान की सहायता लेना पड़ी, स्मरण करना पड़ा। ये उदान के प्रेरणा के हिसाब से उन्होंने क्या कहा है, धारणा मन का विषय ग्रहण करना और उसके बाद उसको स्मरण करना, और स्मृति में एक बताया है प्रत्याभिज्ञानम। प्रत्याभिज्ञान मतलब क्या, ये वह व्यक्ति है जो मैंने देखा था, ये वही स्वर है मैंने सुना था, ये वही गाना है मैंने सुना था। मतलब आपको कोई पसंदीदा गाना हो, पहले आपने सुना लेकिन आपको बहुत पसंद है, फिर आपने जब सुना अरे हाँ वही गाना है। मतलब ये जो स्मरण करवाता है, ये जो स्मृति है, ये स्मृति किसकी है, ये स्मृति उदान वायु की प्रेरणा के हिसाब से। और इसको अनुभूत, ये स्मृति का श्रेष्ठतम क्यों है, अनुभूत विषय संप्रोषा। मतलब क्या बताएं, मानव का विकास भी स्मृति पर स्मृति के ऊपर निर्भर है, और स्मृति के ऊपर मानव का ये जो है विकास कैसे निर्भर है। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर जितना पूर्वानुभव हो, कि जितना संचित पूर्वानुभव हो, उसे आत्म प्रकाशन कहते हैं, और उसकी उन्नति की सहायता प्राप्त होती है। देखिए, हम कहते हैं ना, अरे ये इसका सुनो, इन्होंने बहुत बारिश देखी है, इतने बहुत ठंडी। मतलब क्या होता है, उनके पास अनुभव है, उनके पास अनुभव की स्मृति है, ये होने के बाद ये हो सकता है। इसलिए स्मृति मानव प्राणी का उत्कर्ष का कार्य है, ये उत्कर्ष करता है उसका, किसी भी व्यवहार में हो, किसी भी आपके कार्य में है, ये उत्कर्ष स्मृति करती है। क्योंकि अनुभवता है, और अनुभवता उस वक्त व्यक्त होना जब चाहिए, उस वक्त, मतलब वाक प्रवृत्ति के लिए अगर पीछे वाली, तो उस वक्त वो याद आना चाहिए। अगर उस वक्त हमें वो याद ही नहीं आया तो हम कैसे स्मरण कर सकते हैं। तो ये जो कार्य है, ये जो कार्य की प्रेरणा दे रहा है, ये उदान वायु दे रहा है, और उदान वायु की प्रेरणा की वजह से ये कार्य हमें प्रचित हो रहा है। इसलिए स्मृति जो है उसके दो कार्य और दो प्रकार बताए हैं, एक है भावित स्मृति और दूसरा है अभावित स्मृति। भावित स्मृति मतलब क्या है, जैसे आप सपना देख रहे हैं, सपना देखते हो, आपने रात को बहुत सारे सपने देखे लेकिन सुबह आपको याद नहीं आ रहा, उसको तामस स्मृति कहते हैं। लेकिन आपको याद नहीं, बस आपने सपने में देखा। ये भावी स्मृति में दो है, तामसी और राजसी। राजसी मतलब क्या है कि आपने कुछ देखा और सपने में आपने वो, अगर कोई चीज है वो आपको याद आ गई, लेकिन वो राजसी प्रवृत्ति के हिसाब से, मतलब जो देखा है आपने राजसी प्रकृति के हिसाब से वो आपको याद आया, उसको राजसी स्वप्न कहा जाता है, या उसको भावित स्मृति कहा जाता है। अभावित स्मृति ये क्या है, विशेषता आप जागृतावस्था में जो देखते हैं, या कोई भी ऐसा है जागृतावस्था में आपने जो स्मरण किया हो, वो अच्छे वाले कार्य हो, सात्विक कार्य हो, वो सात्विक कार्य के हिसाब से अगर आपने वो सपने में भी देखे हो, दृष्टांत रूप में, वो जो स्मृति है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सपने में आप कोई बात, अरे आपने ये देखा है, कुछ दृष्टांत हुआ है, कहते हैं कि हमें वो, मैंने कभी ये देखा हुआ है, मैंने कभी ये जाना हुआ है, मैंने ये फील किया हुआ है। ये किसकी वजह से है, ये जो है स्मृति का उदान वायु की प्रेरणा की वजह से उस वक्त वो व्यक्त हो जाता है, उस वक्त वो समझ में आता है, वो उसका कार्य। इसको अभावित स्मृति कहते हैं। इसलिए पौनोत्तम कहा है इसको, पुरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलाश्चर्यत वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। अगर हम ये कार्य इसके हिसाब से आज हमने देखे हैं, कितना श्रेष्ठ है बताइए। हमारे लिए एक्चुअली टाइम कम है, लेकिन एक एक भी कार्य लेते हैं ना, इतना सूक्ष्म उदान वायु की प्रेरणा के हिसाब से, तो इससे हमें एक समझ में आता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर का अणुपरमाणु तक कार्य करना, और यही अणुपरमाणु ऊर्ध्व गति तक उस सृष्टि के दाता की तरफ लेके जाने का कार्य जो कर रहा है, सब अवस्था में वो जो कार्य कर रहा है, ये कार्य काम कर रहा है उदान वायु। समझ गए। तो ये है उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलाश्चरत वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। अब टाइम हो गया, यही हम ये लेक्चर रखते हैं। ये जो लेक्चर जो व्याख्यान दिया उस व्याख्यान के जो अच्छे वाले गुण जो मेरे गुरु ने, मेरे सदगुरु जो है उनके चरणों पे मैं ये अर्पण करते यही मैं यहाँ का व्याख्यान रोकता हूँ। नमस्कार। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लीजिए, नवीन सर जी को पूछ के मुझे बताइए। नमस्कार।